इनफैक्ट सर, जो उसके कपड़े भी है वो उसके खुद की वार्डरोब के हैं, एंड ऑल द बॉयज इन द हाउस न्यू अबाउट इट, इवन द गर्ल्स. ओह, सो यू डिडंट हैव अ स्टाइलिस्ट? नथिंग, जस्ट लाइक स्टाइलिस्ट वाज हायर्ड लेटर. And my sister was doing everything. बाहर आके मुझे पता चला भेजने से पहले वो रीले बना रही है, ये भेजने लगी और अंदर मैं शर्टलेस रहता था और वो ऐसे बैठी होती थी कि यार मैं ब्रांड को कैसे. मेरी एक ही बार कॉन्वर्सेशन हुई थी सिद्धार्थ से और उसी एक कॉन्वर्सेशन में हम दोनों को ऐसा हो गया था कि मतलब दिल जीत लिया था मैंने उसका, उसने मेरा, ऐसा था. एंड आई वांटेड टू गिव हिम द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ हिज लाइफ. ओ मैं भी तड़पूं जो तेरा ना रहूं, जग छड़ जाऊंगा जुड़ा जो तुझसे, पता है रब को मैं तो तेरा बन जाऊंगा. कबीर सिंह बैकग्राउंड. कम डाउन. मैंने ट्राई किया कि मैं खुद को वो कर पाऊं बट मैं नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं हां मैं वैसे ही हूं ऐसे ही. हेलो एवरीवन, दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरे साथ है सावरी के कास्ट और सिंगर अखिल सचदेवा, मनारा चोपड़ा और अभिषेक. सो नाइस टू हैव यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लोगों को गाना बहुत पसंद आ रहा है, बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग को. और मैंने भी जब वीडियो देखा, बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है जहाँ पे लड़की अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके अपने प्यार के लिए लड़ रही है. ऐसा जिंदगी में हुआ है आपके साथ जब आप अपनों से ही लड़ जाते हो? अभिषेक का तो हमें पता है. मेरा तो हुआ है. मनारा आपके लिए? मेरे साथ तो नहीं हुआ बट मेरी फ्रेंड सर्कल में बहुत हुआ है. मेरी फैमिली पर्सनली तो बहुत दे आर फाइन विद हूएवर आई एम डेटिंग एंड आई चूज इन माई लाइफ. तो ऐसा पर्सनली तो नहीं हुआ बट फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली. यू सीन फॉर यू? डेफिनेटली नॉट. मतलब मैं क्या बोलूँ अब तो. खैर, नाउ आई जस्ट गॉट मैरिड ऑल्सो एंड मैरिड टू द पर्सन, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन. शी इज बीन माई फैन. And she saw me at a concert and now she's married to me. So I'm blessed that way. So कोई fight वाइट की होनी. Music करता हूँ ना यार, तो music में तो प्यार है. No fights. So we have the script for our next song. Wow. Already now. Already. कर सकते थे. It's a plot. कर सकते थे. Wow. बहुत ही प्यारा सा story है ये, मैं सुनना. पर उससे भी प्यारी एक ये चीज़ है कि you know when she saw me, she's 10 years younger to me, and when she saw me for the first time, she told her mother कि अखिल को जाके बोल दो कि जब मैं बड़ी होंगी इट्स माय ड्रीम टू गेट मैरिड टू हिम. एंड हर मदर केम टू मी. एक्चुअली इट हैपेंड एंड देन आफ्टर 7 इयर्स वी बोथ गॉट मैरिड. सो या शी सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी सेड इट्स माय ड्रीम टू गेट मैरिड टू यू. शी टोल्ड मी थ्रू हर मदर एंड वी गॉट मैरिड. अल्टीमेटली आधी चीजें मेरे को समझ नहीं आई प्लीज. कि मम्मी का ड्रीम था जी? नहीं 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 नहीं. तो तानिया माय वाइफ, उसका ड्रीम था. शी सॉ मी, उसने मुझे पहली बार देखा कॉन्सर्ट पे. उसने अपनी मॉम को बोला कि जैसे मेरा शो खत्म हुआ, उसने अपनी मॉम को बोला कि अखिल को जाके बोल दो कि इट्स माय ड्रीम दैट जब मैं बड़ी होंगी मैं अखिल से शादी करना चाहती हूँ. और उसकी मॉम एक्चुअली आई शो के बाद मुझे बोला. और मैंने बोला पहले आप मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो बिकॉज़ हर मदर इज आल्सो वेरी. आई वाज अबाउट टू से कि मम्मी आ भी गई. नहीं नहीं नहीं. तो और ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है आप कि 7 साल के बाद लाइक वी बिकेम फ्रेंड्स, वी बिकेम बेस्ट बडीज एंड वी गॉट मैरिड आल्सो. सो आई गॉट मैरिड टू द सेम गर्ल जिसका एक सपना था मुझसे शादी करना. उसने मुझे पहली बार देखा था तो वही हुआ. And you also had that infatuation at the first moment. पहली मोमेंट में तो मुझे वो दिखी नहीं थी, मैंने तो उसकी माँ को देखा था. पहली मोमेंट में तो मैंने देखा ही नहीं था उनको, वो है कौन. But yeah, lately we became friends, we started talking and we became best friends and then we got married. How did this song come to both of you? क्योंकि Big Boss में हमने बहुत सारे pairings देखे, पर मैंने कभी अभिषेक और मनारा की pairing in a romantic way नहीं सोचा था. That's the twist, no? So basically, जब Big Boss के घर से हम बाहर आए, so the very next day, I got a call from Raghav, who's the person behind Desi Music Factory, and he told me about this song, and then he told me, you know, हम ये गाना plan कर रहे हैं, and I want to shoot it as early as possible, and I was like, who you are looking at? So he was like, sure, I'll let you know, and then again we connected, and he told me about Abhishek being a part of it, and I was like so thrilled and excited because you know. अभिषेक के साथ घर पे मे नॉट बी दैट रोमांटिक एंगल बट एक हंसी मजाक वाला बहुत चलता था. एंड ऑफ कोर्स नोक झोंक भी चलती थी, नो डिनायल इन दैट. सो दोनों इक्वेशन 50-50 चलती थी. बट एज अ पर्सन मुझे अभिषेक तो पसंद ही है, मुझे उसकी फैमिली बहुत पसंद है, मुझे उसकी मम्मी सैंडी बहुत पसंद है, एंड यू नो दैट होल पंजाबी वाइब. मुझे शादी नहीं करनी दो अभिषेक से. कुछ भी बोल रहा है यू नो लाइक ऑलवेज दिस इज अभिषेक फॉर यू.
एंड देन ही टोल्ड मी इन फैक्ट मेरी फैमिली मेरी सिस्टर एंड ऑल वो भी आई थी घर के अंदर शी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड शी सेड यू नो द पेयरिंग विल लुक वेरी नाइस एंड एवरीथिंग एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री एंड 5 दिन के अंदर हमने गाना शूट किया लवली और आपके लिए क्या स्टोरी थी बस यही थी ऐसा ही कुछ था राघव भाई और अंशुल भाई वो चाहते थे कि हम दोनों कास्ट हों और मैं भी एक्साइटेड था कि बिग बॉस में थोड़ा थोड़ा रोमांस तो किया ही था हमने तो वो एक फन रोमांस है यहाँ पे अभी नारा एक सीरियस अभी नारा यही है सबका आजकल नारा हम दोनों हैं अभी नारा तो ऐसे ही गाना और मैंने जब गाना मुझे भेजा राघव ने और आई स्वयं से मैंने आपको लाइव में बताया था कि मैं उसको रिपीट पे सुन रहा हूँ कार में मैं कितना प्यारा है मैंने मम्मी को भेजा हूँ कहते कितना प्यारा और जब मैंने बताया इन्होंने वो गाना गाया सुन मेरे कहते यार मुझे पता है तू मुझे क्या बता रहा है मैंने कहा हाँ बट मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने ये वाले गाने गाए तो इनकी आवाज और जो लिखा कॉम्पोजिशन इतनी कंपोजिशन इतनी प्यारी है तो वो सुन के इतना मजा आ रहा था मैंने कहा भाई ये मेरे को करना है मुझे नहीं पता जल्दी से शूट करो और ये करना है अपने सच में बहुत स्वीट सॉन्ग था मतलब इट्स लाइक और हर एक लाइन बड़ी रोमांटिक मूड नहीं या एंड हिज वॉइस जस्ट एड्स सो मच टू द सॉन्ग मनारा आई हैवंट स्पोकन टू यू आफ्टर बिग बॉस बट आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई है जब से आप घर के बाहर गए हो बिकॉज आई हैव लिटरली जहाँ मैंने सुना है इज लाइक मनारा इज फाइंडिंग अ टीम बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग और फिनाले के दिन भी इतना आपको भी नहीं पता था कि आपका फ़ोन इतना बजेगा एंड यू नो सो मेनी पीपल विल वॉन्ट मनारा आप इतने डिमांड में होंगे वॉज इट लाइक मैं ये सब को कैसे हैंडल करूँगी अब यहाँ से सो डेफिनेटली आफ्टर बिग बॉस माई लाइफ हैज़ एक्चुअली चेंज 360 डिग्रीज क्योंकि मैंने जो फिल्म जितनी भी करी हैं जितनी भी फिल्म आप प्राइम पे देखते हो दे ऑल आर तेलुगु फिल्म सो माई होल टीम इज़ देयर एंड मेरी जो सिस्टर है मिताली उनकी काफ़ी लंबी बात हुई थी सलमान सर से एंड शी एक्चुअली मैंशन यू नो दैट सर मनारा जो गई है बिग बॉस के घर पे वो बिना किसी पीआर को हायर करे बिना किसी टीम के इनफैक्ट सर जो उसके कपड़े भी हैं वो उसके खुद के वार्डरोब के हैं एंड ऑल द बॉयज इन द हाउस दे न्यू अबाउट इट इवन द गर्ल्स ओह सो यू डिडंट हैव अ स्टाइलिस्ट नथिंग जस्ट लाइक स्टाइलिस्ट वाज हायर्ड लेटर एंड माई सिस्टर वॉज डूइंग एवरीथिंग तो आई थिंक सर नोटिस दैट एंड उस दिन जब सबके पेरेंट्स बैठे हुए थे उस लॉबी में एंड आई वॉज आउट ऑफ द हाउस सो द फर्स्ट थिंग सर वॉज लाइक मनारा यू नीड टू हायर अ गुड टीम फॉर योर सेल्फ यू डोंट हैव योर मदर डू योर वर्क लेट योर मदर यू नो टेक द बैक सीट एंड लुक इन टू द अकाउंट्स एंड यू नीड टू हैव अ टीम सो आई थिंक वो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा आ गया नाउ माई फैंस आर रियली यू नो लाइक You know, your team में इसने ये किया आपको ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए सो यू नो दैट लव इज बियॉन्ड बट नाउ आई हैव अ टीम इन प्लेस एंड टच वुड थिंग्स आर गोइंग वेल थोड़ा थोड़ा रह गया है आई हैव टू स्टिल शेप थिंग्स अप बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आपने बोला लाइफ बहुत चेंज हुई है आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट एंड द बिग बॉस प्लेटफॉर्म फॉर दैट बिकॉज एक्चुअली हम घर से बाहर आए एंड वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद अ ब्रांड लाइक देसी म्यूजिक फैक्ट्री एंड ही इज डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आई हैव माई फिल्म विच इज रिलीजिंग अगेन टुमारो आई एम ट्रैवलिंग ओवरसीज फॉर वर्क सो द वर्क इज कमिंग इन अ लॉट ऑफ यू नो बहुत सारा काम आ रहा है आई एम ट्राइंग टू अब्जॉर्ब इट बट ऑल्सो आई एम टेकिंग माई ओन टाइम टू सी वट आई वॉन्ट टू डू बिकॉज जो आप अभी इस मोमेंट जो आप डिसीजंस ले लेते हो दे आर गोइंग टू लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम एंड यू मस्ट नो फॉर योर सेल्फ दैट हाउ डू यू वॉन्ट टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइलिस्ट की थोड़ी स्टोरी अलग है तो जो मेरी स्टाइलिस्ट थी वो मेरी जिम बड़ी थी तो मैं जिम में उसको 15-20 दिन पहले मिला था और हम वर्कआउट कभी कभी करते थे साथ में तो मैंने एक दिन उसको बताया कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ तो कहती है स्टाइलिस्ट हायर कर लिया मैं कह ये सब नहीं होता है मैं कह मुझे नहीं पता ये सब होता है आई स्वयं मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा लगता था कि लोग खुद के कपड़े खुद भेजेंगे भाई वो पहन पहन के रेडी हो जाएंगे मुझे नहीं पता था पीआर भी होता है कुछ जो भी चीजें होती हैं अंजलि भी ये मतलब ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वो सब हायर करूं मेरे पास उतने पैसे नहीं तो कहती मैं करूंगी तेरी स्टाइलिंग मैं स्टाइलिंग भी करती हूँ मैं क्या है मैं चल बै गड्डी मैंने उसको गाड़ी में बिठाया मैं यहाँ स्टूडियो में ले आया मैंने अपनी टीम से मिलाया संजोग और आत्मिका से उन्होंने आपस में जो भी बातें बूते करी और वही कपड़े भेजती थी बाहर आके मुझे पता चला भेजने से पहले वो रीले बना रही है कि ये भेजने लगी और
और अंदर मैं शर्टलेस रहता था और वो ऐसे बैठी होती थी कि यार मैं ब्रांड को कैसे अच्छा आप ना ये मत पहनो, आप ना इसको बात सुनो, या आज शाम मत पहनो या कल सुबह पहनो, आपने सूट पहन लिया आज भी सूट मत पहनो, पूरे इन्वेस्टेड थे, पूरे इन्वेस्टेड। अभिषेक की विजन क्लियर थी ना, उसे पता था जाति गाना भी करना है भाई। हाँ। तो उसको पता था क्या है, क्या साड़ी में अच्छी लगती है। अरे अभिषेक आपके लिए भी, आपने लाइक काफी कहा है कि आप सिद्धार्थ शुक्ला जी को बहुत आइडियलाइज करते हो, एंड टुडे दैट योर शेयरिंग स्पेस ऑन स्क्रीन जहाँ पे अखिल जी आपके लिए गाना गा रहे हो, जो उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए भी गाना गाया है, इट्स लाइक लाइफ हैज कम इन अ वे फुल सर्कल। मुझे नहीं पता था कि मैं आज आपके साथ काम करूंगा या मैं इंटरव्यू भी कोई दूंगा, तो इंटरव्यूज देने भी ऐसा लग रहा था भाई ये सब भी होता है लाइफ में, तो मेरे लिए तो सब कुछ चेंज है। मैंने ये मैं ऑब्वियसली फील करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ तक आया पहुंचा मेहनत करके, बट मैंने ये फील नहीं किया था, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है, मतलब जब मेरी एक ही बार कॉन्वर्सेशन हुई थी सिद्धार्थ से, और उसी एक कॉन्वर्सेशन में हम दोनों को ऐसा हो गया था कि मतलब दिल जीत लिया था मैंने उसका, उसने मेरा, ऐसा था। एंड आई वॉन्टेड टू गिव हिम द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ हिज लाइफ, मुझे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी गाने बन जाएंगे, बट वो इतने बड़े बने। और अभी बिग बॉस से वो तभी बाहर आए थे, तो तभी उसके बाद की बात है। And then suddenly when I got to know कि मैं बिग बॉस के, मेरा गाना फिर से हम बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ, विनर्स के साथ ही शूट कर रहे हैं, तो आई फेल द सेम थिंग व्हाट आई फेल फॉर सिद्धार्थ आल्सो। तो आई थिंक वो एक कनेक्शन, वो वाइब भी है, गाना भी फिर उसी वाइब के साथ बना, वो भी बहुत दिल से बनाए थे गाने, और ये भी गाना बहुत दिल से था, और एक कनेक्शन, वी कैन ऑल फील दैट। लवली, यू नो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा था ये पे था, इवन आपका जो लिंक बन रहा है आयशा के साथ, लोगों को ये जोड़ी भी पसंद आ रही है, आपने सोचा था? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। और वो क्यों हो रहा है? मे बी हमने सांवरे प्रमोट किए इस वजह से। तो हमने सांवरे प्रमोट करने के लिए एक हाइप बनाई थी, जिसमें उसने मेरा हाथ पकड़ के स्टोरी लगाई थी जी। तो वो इसलिए लगाई थी कि रील वायरल हो या वो, तो मैंने उसको बोला कि वायरल तो वैसे भी हो जाने की, बहुत अच्छी रील बनी थी वो एडिट होके, तो और हाइप क्रिएट करने के लिए हमने वो किया, तो लोगों को वो पसंद आया, और ऊपर से वैलेंटाइन डे वाले दिन हमने शेयर कर दी थी, तो ज्यादा नहीं, हमने सोचा नहीं था कि वैलेंटाइन डे है उस दिन, पर वो वैसा हो गया कि उसी दिन हमने शेयर कर दी, क्योंकि डीएमएफ के ऊपर से बहुत वो था ना कि अभी डालो अभी डालो। गौरव भाई और राघव भाई, अभी डालो अभी डालो, मैंने कहा हो रही है जी, तो डाली थी, बट वो 30 मिलियन के आसपास उसके व्यूज आ गए और 100 के प्लस शेयरिंग हो गई है, बहुत व्हिच इज लवली। ठीक है मनारा, आपके लिए वी रियली लाइक्ड योर फ्रेंडशिप विद चिंटू आल्सो इन द बिग बॉस हाउस, आर यू ऑल स्टिल इन टच एंड इज इट स्टिल द सेम, इज इट स्ट्रॉन्गर जो आपकी बॉन्डिंग हुई, बिकॉज़ वी हैवंट सीन अ लॉट ऑफ यू एंड चिंटू आउटसाइड। रियली एक्चुअली चिंटू इज वन ऑफ द पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू मी एंड इज अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड मतलब ही वॉज इवन सपोर्टिंग मी व्हेन आई वॉज इन साइड द हाउस, मेरी सिस्टर और सब ने बताया, और हम तो कल भी मिले, वी वर शूटिंग फॉर अनदर शो by the name of Dance Diwane, and yeah. वो वैनिटी में आएगा, you know, he'll be like that, Chintu is Chintu, and that comfort, you know, meeting him, and हम actually Big Boss के finale की जब party थी, तब हम पहली बार मिले, and we were trying कि हम मिले मिले मिले, but I was going, you know, bonkers in terms of like things coming in, and that day we met, and he was like, तू तो मिली नहीं, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, you know, my phone is not stopping, I want to meet everyone, but then things are like that, but we are always in touch, and I think with all the boys of the house, I'll always always be in touch, yeah. Are you in touch with Munawar as well? I'm in touch with everybody, yeah. इवन यू नो आई वॉन्ट टू से दैट अब जाके आप बाहर खुद के वायरल वीडियोज देख रहे हो, जैसे आप जब मिताली आई थी आप चीखने लगे थे, उसमें जितने मीम्स बने हैं, और जैसे आप भी अपने खुद के वीडियोज देख रहे हो, वॉट गोज ऑन इन योर हेड वेन यूर सीइंग योर खुद के वायरल वीडियोज, कि ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे दिखेगा बाहर,
क्योंकि I'm sure you're having that moment. It's crazy. He has to say that. आप हमारी videos देखते हो, आपको कैसा लगता है? मैं तो वैसे भी honestly Big Boss को एक crazy चीज़ ही मानता हूँ. Seriously. मुझे नहीं पता ये लोग कैसे कर गए हैं, कैसे कर जाते हैं. मैंने उनको बोला भी था live में कि मैं अगर मुझे कोई बोल दे वो करने को, I don't know. मुझे 10,000 बार सोचना पड़ेगा. और आप हमें जरूरत थी, हमें वहाँ जाने की जरूरत थी. आपको पता है मेरे को 2020 में I got married और मेरी शादी से एग्जैक्टली एक महीना पहले I got offer for Big Boss and I was like मेरी शादी है भाई. एक तो मैंने वैसे झूठ क्या मतलब एक रीजन दे दिया कि मेरी शादी है, तो मुझे लगा ये वैसे ही मान जाएंगे. बट देन दे काइंड ऑफ ऑफर दे हैड फॉर मी, पर उसके बाद मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा. मैं एक बार सोच लेता कि शादी रोक लूँ, शादी बाद में करूँ, बट मैं बिग बॉस के अंदर हूँ वो. आई थिंक इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ एवरीबॉडी. आपको अब दुनिया के सामने वो रखना, आई थिंक वो चीज इमोशनली टूट गया. या या एंड इट पुशेस योर वर्स्ट साइड. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. बट व्हेन आई सॉ माय रील्स, मुझे घर के अंदर बहुत लगता था कि बाहर कैसा होगा, बट आई व्हेन आई सी माय रील्स आई जस्ट गो क्रेजी. लाइक यू नो इट्स सो मच फन टू सी योर ओन रील्स एंड दे आर ऑल फनी रील्स. मैं इनको मार के बाहर आ जाता, मेरे को करो तो मैं एक दिन में इन किसी ना किसी को मार के बाहर निकल आता. बस मुझे बाहर निकाल दो. आपके तो डायलॉग पे गाना बना है. ओए यार सॉरी, आपके डायलॉग पे गाना बना है. पिएगा तू? पिएगा? वो कुछ 50-60 million रीच कर गई है. उसने 2 reels डाली एंड इट इज गोइंग क्रेजी. एवरीबडी इज मेकिंग रील्स ऑन इट. एंड वो चाय, अभी आई वेंट फॉर अनदर इंटरव्यू एंड दे आर लाइक कि आप हमारे प्लीज, वो बाहर चाय के स्टॉल वाले भैया है, आप उनके साथ प्लीज बनाओ. वो तो आपके बहुत बड़े फैन हैं. एंड यू नो जो मेरी रील्स का इफेक्ट कुछ ऐसा है, फॉर सम सरप्राइजिंग फैक्टर लड़कियों पे बहुत इफेक्ट है. आई जस्ट वेंट टू दिल्ली फॉर 2 days एंड जस्ट यू नो एक वाइब चेक करने के लिए कि व्हाट इज द रिएक्शन. वी वेंट टू अ मॉल, मी एंड माय सिस्टर. And जितनी लड़कियां हैं, they just go mad like मनारा दीदी, मनारा दीदी, and they are going mad more than the boys. I have girls as fans, so that's like a blessing for you know an artist. Yeah, this is lovely because this is मनारा. Sarangyo. Abhishek, for you, what goes on in your head जब आप खुद के reels देख रहे हो? कुछ तो बात हुई है. नहीं, बट मैं आजकल फोन बहुत चला रहा हूँ. बहुत ही ज्यादा मैं फोन एडिक्ट हो गया हूँ और बहुत ही ज्यादा चला रहा हूँ. ऐसा मतलब मैं रील्स ही स्क्रॉल करता रहता हूँ और कमेंट्स चेक करता रहता हूँ. मैं देखती हूँ ऐसे चंडीगढ़ में भी ऐसे कर रहा था. पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ता हूँ. और वो थप्पड़ वाला इंसिडेंट सबसे ज्यादा वायरल हुआ जो बोल आटा ले चाटा टना, उस पर इतनी ज्यादा रील्स बनी है. और उस टाइम मेरे को लग रहा था कि ये क्या ही हो गया. अभी भी ऐसे लग रहा है क्या हो गया, मतलब नहीं करना चाहिए था. बट बाहर कैसा रिएक्शन आया वो कभी किसी को नहीं पता होता. और वो आई पराठा, मी पराठा, 33 पराठा, औरा को बोल रहा हूँ. मेरी इंग्लिश पे इतने ज्यादा हुए पड़े हैं. आपकी इंग्लिश पे माइंड इज दैट. और एक मुनावर और मेरा हुआ पड़ा है. मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार तू तो मेरी लाइफ की ईशा बनती जा रही है. मतलब मैं तेरे से इतना, मैं तेरे को लेके इतना पोजेसिव हो गया हूँ कि तू मुझसे बात भी नहीं करता तो मुझे बुरा लगता है. और एक आज मैंने देखी है उसमें, आपको पता है कई बार आपको पता नहीं चलता बट आप वो रियल में वैसे होते हो. जैसे सर आज एक रील थी जिसमें मेरी मम्मा आती हैं और मम्मा मेरे को हक करती हैं. और मैं मम्मा को बोल रहा हूँ मम्मा मुनावर को हक करो कि उसके है ना. तो मैंने कहा कि आप मम्मा उसको टाइट हक करो, उसको बहुत जरूरत है. उस टाइम के लिए आपको पता नहीं होता बट बाद में पता चलता है कि यार ये एक स्वीट सा जेस्चर था बट उसको कितना अच्छा लगा होगा, कितना इम्पैक्टफुल लग सकता है एक छोटी चीज. तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छे इंसान हुआ. ओके, एक छोटा सा गेम खेलेंगे. बिफोर दैट आई फील सॉरी इफ यू कैन सिंग 2 lines फ्रॉम द सॉन्ग. वाह, यू वुड लाइक दैट. तारे सारे तेरी आंखों में चमके इस कदर, चंदा तरसे तेरी चांदनी को रात भर. ओ मैं भी तड़पूं जो तेरा ना रहूं, जग छड़ जाऊंगा. जुड़ा जो तुझसे पता है रब को, मैं तो तेरा बन जाऊंगा. सुन ही रिये तू ही दिल हार जा, सुन हानिया मुझे थाम ले जरा. तू बन जा मेरा सांवरे, लुट जाने दे मुझे. वो बन जोगी तेरे प्यार में,
मिट जाने दे. सो लवली, दिस इज सो नाइस. सब इतना स्माइल कर रहे थे, अलग हो गए. ये तो अंकिता जी ने वो कर दिया था ना, तो मेरे भी गूज़बम्स आ रहे हैं यार. Seriously, some chills and goosebumps. But yes. Thank you so much for making time and joining us so much, on Instant Bollywood. Being here with you guys. Thank you so much. Thank you. So, एक छोटा सा game खेलेंगे जहाँ पे I'm giving these placards और मैं आपको कुछ situations दूंगी जहाँ पर आप hypothetical है और आपको बताना है, क्योंकि आप दोनों single हो तो मुझे बताना कि आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए. हाँ, या तो आप लाइक कर सकते हो. मुझे फील हो गया, सिंगल है हम. या तो आप लाइक कर सकते हो या तो आप ब्लॉक कर सकते हो. ठीक है. सो अगर आपका पार्टनर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, वो चाहते हैं कि आप भी वैसे बन जाओ, सो इज इट अ लाइक और अ ब्लॉक? ब्लॉक अभिषेक के लिए क्लियर कट. मैं ऐसा ही हूँ. मनारा, यू आर नॉट आंसरिंग. सी, डिपेंड्स. इफ आई एम टू मच इन लव तो समटाइम्स आई गिव इट टू द पर्सन, बट आई थिंक ओवरऑल आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू चेंज माई सेल्फ फॉर हु आई एम आई, बिकॉज पीपल हैव लव्ड मी फॉर हु एग्जैक्टली आई एम. सो नो. अगर वो बंदा या बंदी इंस्टाग्राम पे ना हो, सो व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू? वुड यू लाइक अ ब्लॉग? मतलब उसकी मर्जी है. लाइक, सो यू डोंट, वुडंट माइंड इट? या, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. ओके, अगर इफ योर पार्टनर पोस्ट अ लॉट ऑफ थर्स्ट ट्रैप पिक्चर्स, मतलब हॉट पिक्चर्स. यार मैं तो बहुत पोसेसिव हूं. Abhishek, you have to select. Manara, even you have to say. If your boy, I would goes, like it. That's you fine. Wouldn't mind? I don't mind. कितने भी shirtless pictures हो चलेगा. If he has got it, he's flaunting it. It's some, there's nothing wrong. There has to be एक line होता है. उसको cross नहीं होना चाहिए. It's cool. Yeah, but of course, guys are different and girls के लिए of course it's different. हाँ, मतलब मैं नहीं control कर पाता हूँ. पता नहीं. मैंने try किया, but मैं बहुत ज़्यादा possessive हो जाता हूँ. Which is right. मैं नहीं कर पाता हूँ. मुझे ऐसा होता है कि यार की हो रहा है. मुश्किल है मेरे लिए. ओके, इफ आपका पार्टनर आपको पब्लिक में बहुत रोस्ट करता है, आपकी बहुत उड़ाता है, तो वुड यू लाइक इट और वुड यू नॉट लाइक इट? हाँ, नहीं, फन वे में होगा ना वो. आप दोनों के टाइप काफी अलग है. नो, आई डोंट लाइक इट. मुझे पसंद आया, क्योंकि मैं भी करता हूँ ऐसा. ओके, अगर आपका पार्टनर एक वर्कहोलिक है और आपके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है. नहीं नहीं भाई. नो मतलब शायद अब मैच्योरिटी लेवल हाई हो गया. और लास्ट रिलेशनशिप के हिसाब से ही बता रहा हूँ अभी तक तो मैं. नहीं, अभी के हिसाब से तो अभी तो मैं हूँ ही नहीं, तो अभी मुझे पता नहीं है. हाँ. अभी जब मैं आऊंगा तब बता. मैं तो लास्ट रिलेशनशिप के हिसाब से बता पा रहा हूँ कि टाइम तो मेरे लिए होना चाहिए. पर आप खुद इतने बिजी हो. तभी तो मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ ना. हाँ, नाइस वन. व्हाट अबाउट यू मनारा? अगर वो सिर्फ वर्कहॉलिक है तो इट्स ओके, मैं उसके लिए टाइम बना लूंगी. बट वो सिर्फ वर्कहॉलिक की वजह से टाइम ना दे रहा हो, वो एक बात है. ये नहीं कि कुछ और चल रहा हो. वेरी, या वेरी सब्जेक्टिव. मुझे पता नहीं चल रहा है मनारा का टाइप. बट ओके, दिस, इफ योर पार्टनर लव्स यू अ लॉट और आपको ये चीज पता है पर ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आप उस चीज के लिए सेटल करोगे या नहीं? ये भी हो चुका है. हाँ ठीक है, बट वो मतलब मैं समझ तो जाता ही हूँ कि हाँ यार वो बोलती कम है, बट वो करती तो है ना यार मेरे यहाँ से. ऑफ कोर्स, आई मीन इफ यू आर इन लव, यू आर इन लव, ऐसा कुछ नहीं है. इफ योर पार्टनर डजंट लाइक देसी फूड, उनको सिर्फ मतलब कॉन्टिनेंटल एशियन पिज्जा पास्ता वो ही चाहिए, लाइक अगर आप डिनर पे जा रहे हो उसका देसी प्रेफरेंस नहीं है, आर यू ओके विद इट? क्योंकि मैं अपना मंगाऊंगा, वो अपना. सो आई हैव डेटेड अ विदेशी, सो इट्स फाइट विद मी. अच्छा, करनी है वाला अलग ही है. मुनाव, तूने सच कहा था. ओके, इफ योर पार्टनर हैज चीटेड ऑन उनके पहले वाले एक्स, नॉट यू, तो आप उनको एक चांस दोगे कि नहीं? क्योंकि हम कभी कभी जज कर लेते कि यार इसने तो अपने पार्टनर पे चीट किया है, मेरे साथ बंदा अच्छा रहेगा कि नहीं? क्योंकि मैं वैसे पास्ट की स्टोरी सुनता नहीं हूँ कि तेरे पास्ट में क्या चल रहा था. मुझे मेरे टाइम पे क्या चल रहा है वो ज़्यादा हुआ है, और प्रेजेंट की बात मैं प्रेजेंट पे रखता हूँ, तो पास्ट का मैं कम सोचता हूँ और फ्यूचर का ज़्यादा सोचता हूँ. फ्यूचर की वजह से मेरा प्रेजेंट भी ख़राब हो जाता है. हाँ, वो होता है.
मनारा आपके लिए सोचने दो इसको मनारा सोच रही है शी डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ओके डिपेंड्स ऑन द पर्सन डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हाउ ही इज विद मी एंड यू नो हाउ ही टेक्स माय पास्ट हाउ आई टेक हिज पास्ट इट रियली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन गॉट इट अगर आपका पार्टनर ज्यादा एंबिशियस ना हो मतलब उनको ज्यादा कुछ करना नहीं है लाइफ में मैं तो हूं ना एंबिशियस उसके लिए मैं काफी हूं ओके मनारा के लिए बहुत अलग है आप दोनों के टाइप्स मतलब एक एम्बिशन तो होना चाहिए गोल तो होना उसका चाहिए हर इंसान का उससे शादी करना था वो उसका पूरा हो गया अरे नहीं मनारा इज लाइक नॉट हैपनिंग ट्रू आई थिंक हर इंसान का एक लड़की हो या एक लड़का हो उसका एक लाइफ में एक गोल एक एम्बिशन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप यू नो आप किसी के साथ प्यार में हो या नहीं हो आप एक फैमिली पर्सन हो बट आपका एक एम्बिशन तो होना चाहिए ना बिना एम्बिशन के लाइफ क्या है तो कुछ का एम्बिशन होता है अच्छे लड़का या लड़की से शादी करके सेटल होना एम्बिशन होता है हां बट आई एम टॉकिंग अबाउट माय चॉइस आई वुड लाइक टू हैव समबडी तो एम्बिशन था लड़के का कि आपसे शादी हो जाए ठीक है फिर तो फिर वो एम्बिशन पर मेरे ऐसे एम्बिशन नहीं है ना वर्क वाइज कुछ बनना है कुछ कुछ तो होना चाहिए वो शादी मनारा से हो गया वो बन गया भाई मनारा चोपड़ा या बट देन thing is that you need aapko apni life mein hamesha you always look up to the person jo khud bhi bahut you know he has some goal in life aur aapko bhi aapke goal tak reach karne ke liye encourage kare not like ki mera to kuch hai nahi ambition aur aapko jo karna aap kar lo ya aap bhi mat karo to nahi chalega you need to be ambitious about your goals and I have been raised like that to mere liye goals and ambitions hai aapke ambitions pure karna और मेरा एम्बिशन है कि उसका कोई एम्बिशन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग माय हस्बैंड और बॉयफ्रेंड आई अग्री विद मनारा बट मेरे लिए है कि उस मैं पूरे कर लूंगा जो तेरे को चाहिए बस तुम उससे शादी कर ले शायद आई थिंक लड़कियों के लिए इट्स लाइक मतलब अगर तेरे कोई ड्रीम है तो वो भी ठीक है नहीं भी है तो ठीक है यार ऐसा कुछ नहीं है हां मुझे है कि बस फिर वो मेरी है मेरा हमेशा ही रहेगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ सिर्फ मेरी होनी चाहिए कितने और नहीं जानी चाहिए कबीर सिंह बैकग्राउंड कम डाउन मैंने ट्राई किया कि मैं खुद को वो कर पाऊँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ मतलब मैं हाँ मैं वैसे ही हूँ ऐसे ही तो आप चेंज नहीं करोगे अगर आपको अच्छे के लिए अगर आपके बट मैं अपना वो अग्रेसिव नेचर ऑब्वियसली चेंज करूंगा पर मेरा पोजेसिव नेचर चेंज नहीं कर सकता मैं वैसे ही रहूंगा वो मैंने वो नहीं हो वो किसी लड़के का नहीं हो सकता मतलब जो अगर कोई नहीं है तो वो नहीं ही रहेगा अगर कोई है तो वैसा ही रहेगा मेरे हिसाब से अगर आपका पार्टनर एक पेट लवर ना हो और अगर आपको एनिमल्स पसंद है मुझे तो बहुत पसंद है मुझे भी पसंद है तो चलेगा कि नहीं चलेगा 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 धीरे-धीरे प्यार हो जाता है प्यार हो जाता है अच्छा ओके इफ योर पार्टनर प्रेफर्स टेक्स्ट बट नॉट कॉलिंग तो कभी कभी वो भी इरिटेटिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए नहीं मेरे को बातें करने की बहुत आदत है ऐसे नहीं चलेगा ब्लॉक करूंगी मैं वो इसको ब्लॉक करेगा कि भाई इतनी बातें करती है बहुत हो गया आज के लिए बातें तो करनी होगी ना बस सेम ब्लॉक वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल से चल जाएगी ठीक है एंड लास्टली अगर आपका पार्टनर हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप प्लान्स बनाओ हर बार मिलने के लिए डिनर के लिए बाहर जाने के लिए आर यू ओके विद इट कि यू गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हाई गर्ल्स हैव टू मेक तभी हमारी चॉइसेस भी डिफरेंट है वो बहुत अलग है आप दोनों के नहीं अगर इधर कोई और लड़का बैठा होता तो वो मेरे से एग्री करता हूं हां ठीक कह रहे हो तुम नहीं सबका अलग अलग है सच्ची बताओ हां ठीक है बट मैं एग्री करता हूं मतलब मैं आई थिंक मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूं प्लान्स बनाने में बट आई थिंक आई ऑलवेज लुक अप टू अ गाय you know the boy has to make that move or making that plan nahi to fir okay theek hai dekh lo fir tum but he'll be a workaholic if he's a, you have to balance your life even big boss ke baad I'm like a super workaholic like you know jaise wo bol raha hai video calls phone calls everything same is the situation with me but I'm still giving my family time I'm still having my me time I'm still giving my work time I'm still exploring opportunities aur jo big boss ke ghar se log थे उनसे भी मैं बना के चलती हूँ आई थिंक एक लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है सो इफ दैट गाय कैन नॉट स्ट्राइक अ बैलेंस आई कैन टीच हिम यू नो आई कैन टेल हिम गाइड हिम बट स्ट्राइक तो इंसान को खुद ही करना होता है नो एब्सोल्युटली अभिषेक अभिषेक इज लाइक यार तुम दोनों क्या बातें कर रही हो अभिषेक इज लाइक आगे पूछो
यही था, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड डूइंग दिस, एंड आई होप आपके आगे भी गाने आए और इतने हिट जाए और ट्रेंड करे, एंड वी आर एक्साइटेड टू सी यू, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं हूँ आपकी मनारा चोपड़ा. तो अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड.